आदरणीय सभापति जी, कल से मैं इस बजट पर चर्चा सुन रहा था और बजट पे चर्चा सुनते सुनते कुछ महानुभावों ने इस प्रकार से यानी कि क्वेश्चनेयर इसको बना दिया। किसी ने 12 प्रश्न पूछे, किसी ने 14 प्रश्न पूछे, किसी ने 8 प्रश्न पूछे। इसका मतलब है कि हम इतने सक्षम हैं कि हमारे से आप यानी कि कुछ उम्मीदें लगाकर बैठे हैं कि हम कुछ अच्छा करें। इसलिए आपसे मैं आपसे निवेदन करता हूं, पिछले 70 वर्षों से अपने देश को आजाद हो गया और आजादी के उपरांत 55 वर्ष एक ही सत्ता यानी कि एक ही शासन यानी कि राज किया कांग्रेस ने, और जिसमें 40 वर्ष एक वंश ने राज किया है और 15 वर्ष जो हैं बाकी उनके यानी के साथी थे उन्होंने किया। कुल मिलाकर 15-16 हजार दिन बनते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, मैं जिस प्रदेश से आता हूं, वह प्रदेश जम्मू कश्मीर बड़ा संवेदनशील है। हमारे LOP साहब अगर जहां पे मेरे बड़े एजाज साहब होते तो वो जहां के रहने वाले, मैं उन्हीं से पूछता कौन से जिनके जगह से आते हैं वो कौन सा किस प्रकार का वो जंगल है, कौन सी सुविधा वहां पर जिनके पर्याप्त है। आज अगर देखा जाए बिजली वहां नहीं, पानी वहां नहीं, सड़क वहां नहीं, इवन सोच जन के बाकी तो आप छोड़िए, जन के बच्चों के रहने के लिए जगह तक नहीं है। एक ही जन के कमरा है वो भी लकड़ी से पूरा बनाया हुआ जिसमें पूरा परिवार रहता है और उन सुविधाओं से सारा वंचित है। और वो वंचित पिछले 60 वर्षों से क्यों वंचित रहा, जनके 55 वर्ष जनके वहां पे राज करने के उपरांत क्या कांग्रेस ने उन दिशा में विचार नहीं किया। और आजाद साहब वहां के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं उन पर जन की वहां पे होना चाहिए था, क्या होगा, क्यों नहीं वहां पे जन के आज भी आज तक सड़क नहीं है। मैंने वहां एक गांव अडॉप्ट किया है कि जिसे आदर्श गांव में रखा गया है। और मैं आपको यानी बताना चाहता हूं 24 किलोमीटर स्टीप चढ़ाई है जो आप 10 घंटों में नहीं चढ़ सकते, और आज भी जिनके सड़क पगडंडी है केवल जंगल से रास्ते हुए, किसी प्रकार की सुविधा नहीं है। आप डिस्पेंसरी को छोड़िए, स्कूल को छोड़िए, वेटरनरी हॉस्पिटल को छोड़िए, पंचायत घर तक नहीं है वहां पे। इस प्रकार की जिनके वहां पे किस प्रकार के लोग रहते होंगे, जंगलों से लकड़ियां काट कर उन्होंने अपना मकान बनाया हुआ, बाकी जिनके आप पक्के छतों की तरह निर्माण करना छोड़ दीजिए, और उनके बारे में कौन सोचेगा, कौन विचार करेगा। इसलिए कहना पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था, जब तक मेरा दूर दराज कंदरों में बैठा हुआ व्यक्ति जहां पे जो उसको प्रकार की उसको सुविधा ना मिल जाए तब तक हमें कार्य करना होगा। हम उसी राह पर चल पड़े हैं, उसी राह को आज हम देख रहे हैं। जितनी भी योजनाएं जिस प्रकार से बनाई जा रही हैं उन योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए, और इसलिए मैं आपसे जिनके पहले कह रहा था कि जिस प्रकार का 55 वर्ष से आपका राज रहा, 15 वर्ष एक वंश का राज रहा, पिछले 70 सालों में हुआ तो हुआ क्या। उसी प्रकार मैं अपने प्रदेश की बात कर रहा हूं, इसलिए बाहर नहीं जाना चाहता। अगर पूरे देश की बात करना चाहूं तो देश भी यही हालत से गुजर रहा होगा, चाहे आदिवासी क्षेत्र से रहा होगा, चाहे नॉर्थ ईस्ट जन के रहा होगा, चाहे तमिलनाडु का जन के क्षेत्र रहा होगा, पूरा देश इस प्रकार से लोगों से जन के जिस प्रकार वहां पर सुविधाएं पहुंच रहे थे वह सुविधाएं वहां नहीं पहुंच रहे। वो सुविधाएं कौन पहुंचाएगा वहां पर, कौन सी सुविधा जिनके वहां पे रहनी चाहिए, क्या उन्हें जीने का हक नहीं जो जहां वहां पे रहते हैं, क्या वो नहीं चाहते कि मैं भी इस प्रकार का पानी लाया, वो नहीं चाहते कि इस प्रकार का वहां पे या कि मैं भी जी सकूं, मैं भी MBA कर सकूं, मैं BA कर सकूं, मैं ऑनर कर सकूं, मैं मेडिकल कॉलेज जा सकूं, शिक्षा यानी कि अच्छी प्राप्त कर सकूं। वहां तक तो एक छोटा सा स्कूल भी नहीं है तो वो क्या पढ़ पाएंगे। इन सब चीजों के छोटी छोटी बातों के लिए आज हमारे आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री जी ने जिस प्रकार का बजट पेश किया है उस राह को चलने के लिए दिखाया है और ईमानदारी से दिखाया कि किस प्रकार यह देश आगे बढ़ेगा। उन लोगों में कैसे विचार हो सकता है,
उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से हमारे 40% यानी के बीपीएल के अंतर्गत आते हैं, 10 करोड़ यानी के परिवार, 50 करोड़ का आबादी के जो यानी के जिनके जीने की सुविधा नहीं, स्वास्थ्य के माध्यम से देखा जाए तो किसी प्रकार का, किसी को किडनी का यानी के फेलियर होता है, किसी को हार्ट अटैक होता है, किसी को दूसरी बीमारी लगती है, बड़े बड़े खर्चे आते हैं, तो जो उन कंदरों में रहते हैं उनके पास यानी के जीवन यापन नहीं है, तो वो कहां से 4 लाख 5 लाख रुपया देंगे अपना यानी के स्वास्थ्य ठीक कराने के लिए, कहां वहां ऑपरेट करवाने के लिए वहां जा पाएंगे। इसलिए अगर 5 लाख का बीमा उन्होंने आज रखा गया है तो उन लोगों के लिए रखा है जो ऐसी कंदरों और दूर दराज इलाकों में रहते हैं। हम सब केवल सोचते हैं, विचार करते हैं, विचार नहीं क्रियान्वित करना पड़ेगा। इन योजनाओं को नीचे पहुंचाने के लिए जिस प्रकार हम विचार कर रहे हैं वो पूरी तरह ईमानदारी से कर रहे हैं। बंधुओं, आने वाले क्षेत्रों में जिस प्रकार किसान वहां पे, तो किसानी जिस प्रकार मैंने कहा पहाड़ों में होती है, आपने देखा होगा वहां ट्रैक्टर नहीं चलता, वहां हल से भी जुताई नहीं हो सकती, कुदाल से यानी कि वहां पे कूदना कुदाल से कुदाली करानी पड़ती है, और किस प्रकार से आस्ता आस्ता करके वहां से यानी कि आप अपनी खेती बाड़ी प्रारंभ करते हैं, चाहे माता हो, चाहे बहन हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे बच्चा हो, कुदाल लेकर सुबह से शाम तक कुदाली करता है, फिर यानी कि 4-4, 5-5 महीने लगाकर वहां पे एक फसल दिखाई देती है। 7 महीने तो वहां पे बर्फ रहती है, वहां होता कुछ नहीं है, और वही एक कमरे के अंदर लोग अपना जीवन यापन करते हैं। ऐसे लोगों के बारे में किस प्रकार की जिनके बात होनी चाहिए, क्यों नहीं हुआ आज तक, 70 वर्षों में भी आए ऐसे लोग जिनके वहां पे पड़े हुए हैं, उनके बारे में क्यों नहीं सोचा गया। केवल हम हवाई जहाज की यात्रा तो कर सकते हैं, ऊपर से भाई हेलीकॉप्टर से उनको पहुंचा जा सकता है भाषण देने के लिए, अपने वोट मांगने के लिए जाया जा सकता है, किंतु बंधुओं उनके बारे में ईमानदारी से सोचना, उनकी एक एक मूलभूत सुविधा इनके देखी जाए। वहां पे पशु रखे जाते हैं, पशुओं के लिए इनके डिस्पेंसरी वेटरनरी हॉस्पिटल होना चाहिए, वहां तो वेटरनरी डिस्पेंसरी तक नहीं है। अभी जन के जिस गांव को मैंने लिया है जन के प्राइम मिनिस्टर सड़क निर्माण योजना के अंतर्गत, उसको अभी शुरू कराया है, वो भी जन के कहते हैं कि 3 वर्षों के बाद उसका प्रारंभ जन के पूरा होगा, वहां पे लोग जा सकेंगे। इस प्रकार की सुविधाओं से वंचित रहकर ये सारी चीजें हो रही, इसलिए मैं चाहता हूं कि आने वाले दिनों में केवल हम क्वेश्चनर न बनाएं, पूछताछ ना करें, हम चाहें कि मैं कहता हूं कि आपने हम पर उम्मीदें लगाई हैं, हम आपकी उम्मीदों पर पूरा खरा उतरेंगे, और आने वाले दिनों में ये सारी चीजें हम पूरी करने पर तत्पर हैं, चाहे स्वास्थ्य का होगा, चाहे जन के कृषि का होगा, चाहे किसान का होगा, चाहे जन के अच्छे पढ़े लिखे नौजवान का होगा, हम बेरोजगारी को दूर करने का भी प्रयास हर प्रकार कर सकते हैं। अभी जन के किसानों के लिए जिस प्रकार फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से प्रोहिपन में 1400 करोड़ रुपया दिया गया ताकि किस प्रकार फूड का प्रोसेसिंग हो सकती है, पिछले आप के दिनों में क्या देते थे 200 करोड़ 250 करोड़, वो जाता से जाता कहां था। आप जानते हैं कि पिछले जन के अगर एक घोटालों का पूरा निकाला जाए 12 लाख करोड़ रुपए का घोटाला था, वो पैसा गया कहां। अगर वो देश में लगता, उन कंदरों में लगता, तो आज उसका निर्माण अपने देश का एक उज्जवल भविष्य होता। आज ये देश सोने की चिड़िया बनने जा रहा है, सोने की चिड़िया बनने के जिस प्रकार अग्रसर हो रहा है, हमारे प्रधानमंत्री द्वारा जिस प्रकार की राह दिखाई गई है, उस राह को हमें देखना होगा, उसके साथ हमें चलना होगा, और ईमानदारी से अगर इस प्रकार का चलेंगे तो निश्चित तौर पर जन के आगे बढ़ने का। दूसरा, BADP के अंतर्गत, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्लान के अंतर्गत किस प्रकार की इनके योजनाएं वहां बनाई गई हैं, बॉर्डर पर रहने वाले जो बंधु हैं उनको इनके कैसे सुविधा मिल सके। पिछले दिनों में तो केवल गोली मिलती थी, गोली के बाद लोग उजड़ कर आते थे 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर पीछे, और उनका खाने के बाद द्वारा जन के उनको बसाने के लिए 10 वर्ष 15 वर्ष लग जाते थे। आज जैसे ही बंधु वहां पे आते हैं, उनके लिए उसी दिन से उनका किस प्रकार से निर्माण हो सके, किस प्रकार उनको जन के बसाया जाए, बसाने का हम प्रयास करते हैं। ये सारी योजना कौन बना रहा है, किसके अंतर्गत बन रही है। अगर बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्लानिंग के अंतर्गत इस प्रकार की योजना ना बने तो वो बंधु उजड़ कर आ जाएंगे। सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो कश्मीर में किस प्रकार के हालात बने हुए थे 90 से आज तक, किस प्रकार का वातावरण बना हुआ था। पिछले वर्ष लास्ट ईयर एक भी स्टोन पेल्टर वहां पर नहीं था। मैं दावे के कह सकता हूं, आप मेरे साथ आइए श्रीनगर में, पूरा कश्मीर घुमा के लाता हूं,
आपका बिल्कुल सुरक्षित और बिल्कुल आराम से यानी कि टूरिस्ट स्पॉट जन के सारे दिखा के लाऊंगा। इस प्रकार का वातावरण अगर खड़ा किया तो किसने किया? हमारी सरकार ने किया है, हमारे गृह राज्य मंत्री ने किया है। इस प्रकार का वातावरण बनाने के लिए हमें आगे बढ़ना होगा। इस प्रकार की बातों को लेकर अगर केवल मात्र हम विचार करें कि केवल क्वेश्चनेयर ही प्राप्त करना है, हमने पूछताछ ही करनी है, हमने टिप्पणी ही करनी है, टिकट टिप्पणी ही करनी है, तो टिकट टिप्पणी करते रहिए, लेकिन हम आगे बढ़कर अब लोगों की सेवा करते रहेंगे। और लोगों की सेवा करना हमारा कर्तव्य है, हमारा दायित्व है, हमारी ड्यूटी है, हमारा फर्ज है। और इस देश को भारत मां मानते हुए मैं उसका पुत्र हूँ, पुत्रों लेकर आते जो मेरी जिनके मंशा है, मैं उसका माँ की जिनके अपने जिनके सेवा करने का तत्पर रहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी का विराम देता हूँ। भारत माता की जय। धन्यवाद श्रीमती रेणुका चौधरी जी। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे वे बोलने का मौका दिया।